दोस्तों, अगर आपके पास ये मोटो एज 30 प्रो है, और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में कैमरा के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, जो कि अगर आपने फ़ोन बाय करना है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो। आपने वीडियो को दोस्तों देखना है कम्प्लीट, ताकि फ़ोन बाय करने का डिसीजन जो है मैं आपका आसान बना सकूँ। दोस्तों, कैमरा ऑन करते ही देखिए, सबसे पहले हमारा कैमरा ऑन होगा, मेन कैमरा इसका, जो कि 50 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है और एक माइक्रो कैमरा भी दिया गया है, जो कि बिल्कुल पास से करीब से बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। दोस्तों, इसके अंदर ऑप्टिकल जूम का लेंस नहीं दिया गया, जो कि अमूमन मोबाइल फ़ोन में 5x या 2x 3x के आते हैं जूम लेंस। इसमें दोस्तों जूम आपको डिजिटल मिलेगा, जो कि बहुत मतलब एवरेज है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। वीडियो पे आएंगे, वीडियो में दोस्तों कौन कौन से मोड मिल जाएंगे हमें, 8K मिल जाएगा दोस्तों, 4K एंड Full HD। Full HD पे दोस्तों आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा, रेयर कैमरा पे 4K पे आपको 30 FPS मिलेगा, और 8K पे भी 30 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप माइक को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। टॉर्च का ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, बात ये कि 4K के ऊपर आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों, फ़ोन में iOS की सपोर्ट मिल जाएगी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट विजन बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों इसका, प्रो मोड दिया गया है जिससे आप मैनुअली यूज़ कर सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को, और स्लोमो दिया गया है दोस्तों, स्लोमो कैसे है FPS देखना पड़ेगा दोस्तों, 120 एंड 240। अगर दोस्तों आप 720 HD पे करेंगे तो 240 FPS की रिकॉर्ड करेगा स्लोमो फ्रेम रेट, और दोस्तों अगर जैसे आप 120 पे करते हैं तो ये Full HD पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों आप दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी यकीनन। दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।